सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो भी टेररिस्ट विक्टिम है जो भी आतंकवादियों से हाथों से मारा जाता है उसी वक्त नौकरी सारी जिंदगी के लिए सरकार उनका ख्याल रखे पर सरकार के ऐसे कोई कानून नहीं है हजारों जगह के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है पर इन परिवारों के लिए कुछ नहीं मैं इतना कहता हुआ मैं सबको ये कहना चाहूंगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि इन परिवारों के लिए आगे आओ इनकी सहायता करो राजनीतिक लोगों की तरफ देखने की जरूरत नहीं ये कुछ नहीं करेंगे हमें खुद को जागना होगा इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अवनीश पुरी जी का गुरदास मान जी का कलसी जी का बहुत धन्यवादी हूँ जय हिंद जय भारत अब मैं आदरणीय अवनीश पुरी जी से गुजारिश करूंगा और उपस्थित गणों भाइयों और बहनों ये हमारे सारे इकट्ठे होने का एक ऐसा मौका हुआ है दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं और उससे जो पीड़ित लोग हैं जो उससे इफेक्टेड लोग होते हैं उनके बारे में कुछ किया नहीं जाता बिट्टा जी ने जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी जो शुरू की हुई है और जिसकी जागृति जिसकी अवेयरनेस सारे भारतवर्ष में फैलाई जा रही है उन्होंने ये बेड़ा उठाया एक तरह से मैं समझता हूं कि हम बंबई वालों के लिए ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है कि ऐसे मौके पर उन बच्चों की सहायता उन बच्चों के ऊपर छत्र छाया उन बच्चों की देखभाल के लिए दिल्ली से बिट्टा जी आते हैं और यहाँ करने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयारियां करते हैं लेकिन बंबई में बैठे हुए कुछ भी लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा है ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है बिट्टा जी ने शुरू किया है इसकी आदत और लोगों को भी पड़ेगी लाजमी पड़ेगी क्योंकि एक पहल करता है तो दूसरे कदम उठाते हैं तभी एक जाके पगडंडी बनती है तभी रनवे बनते हैं रास्ते खुलते हैं मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना जो नफरत से टूटे है वो घर तो बना लो बीज नफरत के खेतों में उगाने वालों काटने खुद को ही पड़ेंगे कमाने वालों अपने घर की छत को बचा के रखना अपने घर की छत को बचा के रखना अपने पड़ोसी की दीवार गिराने वाला सो बहुत जरूरी है इससे पहले ये मदारी का काम भी किया करते थे मदारी का काम करके लड़ा करते ही पहला लेकिन कानूनी दाव पेचों की वजह से उन्हें ये मदारी का खेल कानून ने बंद कर दिया और उन्हें पानी और फूल बेचना पड़ा गेट ऑफ इंडिया पर जाकर और नतीजे में उन्होंने अपनी जान गंवा दी इनके पीछे इनकी चार लड़कियां और एक छोटा बच्चा चार लड़कियां और एक छोटा बच्चा सबसे बड़ी लड़की की उम्र 12 साल उससे छोटी 10 7 साल 5 और 3.5 साल का बच्चा Thank you.